नमस्कार। वही हम बात कर रहे थे कि आजकल के नौजवानों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपनी आवाज कैसे अच्छी करें। देखिए, आवाज ठीक करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं मेहनत करने की जरूरत है। आप उठिए सुबह, फ्रेश होइए, घर से बाहर निकलिए और जो भी कोई खामोश जगह मिलती है वहां जाइए, एकांत में बैठिए और अपने कानों को केंद्रित कीजिए कि आसपास कौन सी आवाज आ रही। अब आपने एक आवाज सुनी कि एक चिड़िया ने बोला। अब चिड़िया बोली, कैसे बोली? आपने वो आवाज सुनी, उस आवाज को चुपचाप बैठ के फिर फॉलो कीजिए। ठीक। अब एक और कुछ बोला, या कुछ मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल गुजरी, आपने सुना दूर चली गई। अब एक मान लीजिए कोई और साउंड आता है ना, आप उसे ध्यान से सुनते हैं, उसे ध्यान से सुनिए और फिर उसकी कॉपी कीजिए। अब मान लीजिए वहां से एक एम्बुलेंस निकली, आपके कान में आवाज आई। अब आप उस आवाज पर, आपने वो आवाज पकड़ी। अब मान लीजिए एक कोई फायर ब्रिगेड निकला, आपने आवाज सुनी, वो बजा रहा घंटा, टन 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 टन। ये साउंड आपने पकड़ा, उसी साउंड की कॉपी करते हैं आप, आपको पता चलता है कि कितनी सारी, फिर देखिए कितने सारे जानवर हैं। एक शेर के दहाड़ने का गला कैसा था, आप बच्चों को कैसे सिखाते? शेर आ गया है ना, एक बंदर आया है ना, एक कबूतर आया है ना, वो भी साउंड है। अब एक तोता आता है, एक कौवा आता है, अब कौवा आया, कौवा ने किया का 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 का। आप देखिए, आपने कभी कौवे की तरह बोला नहीं, लेकिन आप उसका प्रयास करते हैं, का 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 का, वो साउंड होता है। इस तरह के जितने भी साउंड आपके आसपास होते हैं उन्हें अगर आप कॉपी करते हैं तो आपके गले में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और फिर जब आप एक गुरु के पास जाते हैं और हारमोनियम पर रियाज करते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो मैंने काव 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 कहा गला जा रहा है ना। एक सीटी बजाई, देखिए कितना अलग साउंड हो जाता है ना। आप बांसुरी की आवाज सुनते हैं, आप तानपुरे की आवाज सुनते हैं, तबले की आवाज सुनते हैं, आप देखिए मुंह से कितना अच्छा चलो बजाते हैं लोग, करते हैं, कुछ लोग जो है सीटी से गाने बजाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें स्वर से कनेक्टेड है, और जब आप हारमोनियम पर एक गुरु के साथ बैठेंगे, रियाज करेंगे, तब आपको इन सारे स्वरों का स्केल पता चलेगा कि अच्छा अब मुझे एक ही जैसा नहीं बोलना है कि मैं तुमसे कह रहा था यार मेरी बात समझते नहीं। अब वो डायरेक्टर कह रहा है कि थोड़ा स्केल ऊपर करके बोलो, आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे कह रहा था यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी, अरे यार थोड़ा ऊपर बोलो, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब गुरु के साथ आप बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे मैं तुमसे कह रहा था यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो सुर ऊपर हो गया, कहता अच्छा नीचे बोलो नीचे बोलो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं तुमसे कह रहा था, मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी, तो आपको स्केल का समझ में आता है, सुरों का ज्ञान होता है। और उसके लिए कर्ण संस्कार अच्छे होना बेहद जरूरी है। आप सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, इसलिए कानों को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज का नौजवान अपने आप में डूबा रहता है, उसे सुनने की आवश्यकता है। आप सुनेंगे, आप देखिए कथावाचक है, एक मंत्र पढ़ता है आदमी पूजा पाठ में, कथा करता है, तो कथा करने का जो कथावाचक है उसका स्वर कैसा होता है। तो भगवान श्री राम जी ने उनसे कहा कि भाई तुम जाओ और किसी तरह से जड़ी बूटी लेकर आओ। हनुमान जी उड़े और उड़कर जब पहुंचे पर्वत पर तो चारों तरफ लाइटें ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। उन्होंने आओ देखा न ताओ, पहाड़ उठाया और ले चले। ये एक तरीका आता है। अब एक आदमी जो है अपना सुनाता है, प्रवचन देता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और बांसुरी उठाकर उन्होंने जो सुर लगाए
तो सारी गौ माताएं जो थी वो आस पास आकर खड़ी हो गई और वो लगातार बजाते रहे। पूरे संसार में वो स्वर जो है गूंजने लगे। जो व्यक्ति, जो महिला, जो माता, जो बहन, जो कार्य कर रही थी, वो सारे कार्य छोड़कर उस ध्वनि की तरफ दौड़ने लगे। एक तरीका ये होता है, एक प्रवचन का तरीका ये होता है। बड़े अग्रेसिव तरीके से बोलते हैं लोग कि प्रातःकाल उठकर मनुष्य को जीवन में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत जल लेकर भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। एक अलग वेरिएशन आता है। एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि भाई हाँ तो बैठ जाइए और देखिए, हम जो कहना चाहते हैं वो सिर्फ इतना ही है, ये संसार है, मृत्यु लोक है, जीवन है, मृत्यु है। ये भी एक तरीका है। एक बड़ा और अग्रेसिव तरीका होता है कि मेरे घर या मेरी बात सुन लो, मेरे संसार के साथ मुझे रहना पड़ेगा। ये भी एक तरीका है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभ्यास से और सुनने से मनुष्य यानी कि अभिनेता, हम भी मनुष्य है, अभिनेता भी मनुष्य है, और संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य अभिनेता है। हमें एक मंच मिलता है, उसका मंच संसार होता है। इसलिए वाणी को सुधारने के लिए यही छोटे छोटे जरिए हैं जो मेरे तुच्छ ज्ञान में समझ में आते हैं। आप इनका प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। आनंद मिश्रा का धन्यवाद। नमस्कार।